поглядим назад. ग्यारह बारह जुलाई की रात को एक कारजैकिंग का एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि एक ओला कैब को छीना गया था दो लड़कों के द्वारा। इस केस का इंसिडेंट की रिपोर्ट होने के बाद हमने इमिडिएटली मुकदमा दर्ज किया पीएस मयूर विहार में और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। चूंकि ओला कैब के ड्राइवर को किसी ने फ़ोन किया था, उनको बुलाया था, उसके बाद छीना गया था, तो ये क्लू था हमारे पास। इस क्लू पे काम किया गया, लेकिन उसमें ज़्यादा उस पर सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि एक फ़ोन, जिस फ़ोन से किया गया था वो चोरी का पता चला बाद में। और लेकिन हमारे पास बाकी इन्फॉर्मेशन थी, सीसीटीवी फुटेजेस कुछ एनालाइज की गई और बाकी लोकल इंक्वायरी की गई। जो सीएनजी पंप था जहाँ से उनको लेके उसको ड्रॉप करके, जिस कंप्लेनेंट जो विक्टिम था उसको होस्टेज बनाया था उन्होंने, उसको ड्रॉप करके उसके बाद वहाँ से भागे थे, वहाँ तो इंक्वायरी की गई। फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कॉन्क्रीट, और कल मॉर्निंग में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद इनको जो तीन अक्यूज हमने इस केस में अरेस्ट किए हैं, दो मेन कार जैकर अरेस्ट किए हैं और एक उनका रिसीवर है जिसके पास उन्होंने विक्टिम का फ़ोन, जो फ़ोन उसे छीना था, वो फ़ोन बरामद हुआ है। इसमें एक बात बताने लायक ये है कि ये वन ऑफ दी एक्यूज्ड अमित कुमार हैं, जो खुद ओला कैब ड्राइवर रह चुके हैं, और अभी इनकी जो लास्ट बुकिंग मार्च तक इन्होंने ओला कैब चलाई है। इनको पता था कैसे फंक्शन करती हैं ओला कैब के थ्रू, कैसे बुकिंग की जाती है, कौन आता है, क्या उसमें डिटेल्स होती हैं। इनका साथी है अंशुमान, दोनों की उम्र 27 साल है, दोनों पुराने टाइम से जानते हैं, ये दोनों ड्रग एडिक्ट्स हैं, और ड्रग एडिक्ट्स जो इनकी जो रिक्वायरमेंट थी पैसे की, उसके लिए इन्होंने कारजैकिंग की थी। इसमें नंबर चेंज कर लिया था इन्होंने गाड़ी का। हमारे स्टाफ ने पिकेट पे चेकिंग जहाँ लगाई थी, जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ आ सकते हैं, वहाँ पे पिकेट चेकिंग की दौरान इनको पकड़ा गया है। तीन लोग अरेस्ट हैं, इनमें से एक आदमी जो मेन जो वो है, जो पहले ओला कैब ड्राइवर रह चुका है, उसके एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है। बाकी अभी हम कोशिश कर रहे हैं और जानने की, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इनकी और इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। थैंक यू। इन्होंने अभी तो प्रेजेंटली तो कबूल एज सच नहीं किया है, लेकिन जो एक जैसे मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इनको रिमांड पे ला सकें। और जो फ़ोन बरामद हुए हैं, इनका जो तीसरा एसोसिएट है, रिसीवर है, उससे हमें और 12 फ़ोन बरामद हुए हैं, 11 फ़ोन हैं, एक एक जो करंट केस है उसके विक्टिम का है, उनके फ़ोन्स को लिंक करने से पता चलेगा कि ये किन किन केस में शामिल रहे हैं। सर, एक थोड़ा सा सीक्वेंस बना दीजिए, बता दीजिए किस तरीके से वो कहाँ पर बुलाया था, कॉल किया था और कहाँ ले जाके ड्राइवर को फेंका, और किस तरह। इन्होंने एक कोंडली पुल, एक जगह है कल्याणपुरी के क्षेत्र में, वहाँ पर बुलाया था, वहाँ ये दो लड़के मिले इनको, दोनों गाड़ी में बैठे। इसके बाद फिर ये इनको ले गए नोएडा, नोएडा में दो तीन जगह घुमाया, वहाँ फिर उन्होंने इनको होस्टेज बना लिया। होस्टेज इस सेंस में बना लिया कि उनको फिर बाय फोर्स उनको बिठा लिया साइड वाली सीट पे, खुद इन्होंने, एक एक्यूज ने गाड़ी को ड्राइव किया है, दूसरा एक्यूज पीछे बैठा है, उसको ये ध्यान रखते हुए इनके पास एक ब्लेड था कि सो दैट कि वो शोर ना मचाए। फिर जब गैस ख़त्म होने लगी तब ये यहाँ पर आए हैं, चिल्ला विलेज के पास एक सीएनजी पंप है, वहाँ पर आए हैं तीनों। वहाँ एक रिक्वायरमेंट थी कि आप गाड़ी से उतरिए गैस भरवाने से पहले, तो जब ये उतरे हैं उसमें, तब उन्होंने मौका देखा विक्टिम ने और वो वहाँ से भागे, और उन्होंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद ये जो एक्यूज्ड हैं दोनों गाड़ी लेके वहाँ से भाग गए। बाद में फिर हमने जो डिटेल्स मिली हैं हमें टेक्निकल सर्वेलेंस से और अदर इंफॉर्मेशन से, उसके बेसिस पे फिर हमने इनको ट्रैक किया। जीपीआरएस एक्टिव था थोड़ी देर के लिए वो चला था, फिर बाद में बंद हो गया था उस टाइम, उस रात की बात। फिर बाद में जीपीआरएस पूरा बंद हो गया, और उसके बाद लेकिन ये गाड़ी इन्होंने डंप नहीं करी और गाड़ी के साथ ये घूमते रहे हैं, इन्होंने नंबर प्लेट उसकी बदल ली थी। क्या प्लानिंग था गाड़ी को बेचने का? प्लानिंग तो अभी जो पूछताछ में यही पता चला है कि गाड़ी को भी इनको डिस्पोज ऑफ करना था, और इस गाड़ी को यूज़ करके ये दूसरी वारदात की भी प्लानिंग कर रहे थे।